वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 6 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये सभी लेक्चर्स के जो पीडीएफ हैं नोट्स के, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक की, तो देखो जनरली अगर मैं पिछले 8-9 सालों की बात करूँ तो यूपीएससी में इससे कोई मुश्किल 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल टॉपिक है तो जनरली यूपीएससी इसे अवॉइड करता है। लेकिन 2023 में इससे एक क्वेश्चन आया और अच्छा खासा क्वेश्चन आया, मतलब उसको लेकर काफी लोगों का था कि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, पर वो भी क्वेश्चन जो है हम जनरल अंडरस्टैंडिंग से सीखेंगे, जिसमें सिर्फ अगर आपको इतना पता होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है तो भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में देखो टेक्निकली चीजें बहुत बहुत डीप में है, पर इतना डीप में हमें नहीं जाना जितना नीडेड है सी सेट में, जितना लेवल यूपीएससी जो मुझे लगता है कि बढ़ा सकती है उतना मैंने इस टॉपिक में इंक्लूड करने की कोशिश की है। ऑल दो यूपीएससी ने इस लेवल तक भी नहीं पूछा आज तक, पर फिर भी क्योंकि यूपीएससी का लेवल सी सेट का हाई होता जा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर ऐड की हैं इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि 23 में ही इससे क्वेश्चन पूछा है और थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे इस टॉपिक से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। इन जनरल आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट से शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमने किसी से कोई मनी बोरो किया है कुछ टाइम के लिए, तो उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट लेगा, या फिर हमने किसी को दे रखा है, बैंक को दे रखा है, बैंक से ले रखा है, वो सब चीज़ें। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबने बचपन में पढ़ाई होगा, क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब इसमें पी आर और टी क्या चीज़ें हैं, तो पी है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, यानी कि जो पैसा उधार पे दिया जाता है, बोरो किया जाता है। ठीक है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट है वो कितना परसेंटेज है, और टी है आपका टाइम जो इन जनरल जो है ईयर्स में रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो चलो सिंपली हमने पढ़ाई था फॉर्मूला बचपन में, अब मैं आपको क्या अलग पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये अलग पढ़ा रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में एक थंब रूल याद रखिए, वो है आर टी परसेंटेज। अब ये आर टी परसेंटेज का क्या मतलब हुआ, आर टी परसेंटेज मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका उतना परसेंटेज निकाल लो, तो वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये इसी फॉर्मूले को अलग तरीके से बोला गया है। अब मैंने इस तरीके से क्यों बोला है इसको, तो थोड़े एग्जाम्पल करते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आर टी परसेंटेज वाला जो चीज़ है उसको यूज करने से कैसे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि सपोज करो पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, ठीक है, टाइम है 2 ईयर्स, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 160 और आपको बोला गया है प्रिंसिपल अमाउंट निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 का कितना हो गया 40, यानी आरटी परसेंटेज कितना हो गया आपका 40। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है, मान लिया एक्स, अब एक्स का आरटी परसेंटेज यानी 40 अपॉन 100 160 है, बस इतना हमें करना है और हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक्स आ गया आपका 400, सिंपल था। ठीक है, यानी आर टी परसेंटेज से करेंगे। अब ये तो इजी सा क्वेश्चन था जो कि इस फॉर्मूले से भी जल्दी से हो जाता। और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको पता पड़ेगा आर टी परसेंटेज से कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन, कि राजीव लेंट सम मनी टू संजय फॉर 3 ईयर्स, राजीव ने कुछ पैसे दिए संजय को 3 साल के लिए, इफ द इंटरेस्ट रेट हैड बीन 2% हायर। क्या कह रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट 2% हायर होती, 2% ज्यादा होती, तो राजीव वुड गॉट ₹540 मोर इंटरेस्ट, यानी राजीव को ₹540 इंटरेस्ट और मिलता अगर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होती। व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट देन, यानी कि ओरिजिनली प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। सिंपल क्या बोल रहे हैं कि राजीव ने 3 साल के लिए पैसे दिए, जितने भी परसेंटेज पर दिए उससे अगर 2% ज्यादा होता तो 540 और मिलते। तो उसका सिंपल से क्या मतलब हुआ कि यानी कि जो आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज दिया हुआ है उससे 540 बढ़ रहा है, यानी आरटी परसेंटेज निकाल लो, 3 × 2 = 6 और एक्स यानी प्रिंसिपल अमाउंट का 6% = 540, 6 × 6 = 6, 6 × 9 = 54 और एक्स आ गया 9000। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन खत्म।
80% सीट से क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है। और अगर मैं पी इंटू आर इंटू टी वाले से करता तो एक को आर मानता, एक को आर प्लस टू मानता, फिर दो इक्वेशन बनाता, फिर उन्हें सॉल्व करता। लेकिन आरटी परसेंटेज से क्या हुआ, मैंने सिर्फ डिफरेंस डिफरेंस अमाउंट उठा लिया और उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सर्टेन अमाउंट इज लेंट फॉर 8 ईयर्स एट 10% इंटरेस्ट पर एनम। एक सर्टेन अमाउंट है, उसको हमने 10% इंटरेस्ट पर 8 साल के लिए दे दिया। ठीक है, इफ इट इज लेंट फॉर 6 ईयर्स एट 12% इंटरेस्ट रेट, कि इसको 8 साल 10% की जगह 6 साल 12% इंटरेस्ट रेट पे देते तो द इंटरेस्ट रिसीव्ड वुड बी 880 लेस। अगर ऐसा करते तो 880 रुपए कम इंटरेस्ट मिलता। व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट देन, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, तो वही थंब रूल आरटी परसेंटेज। पहले केस के अंदर आरटी परसेंटेज क्या है हमारा, 10 8 80%। ठीक है, जबकि दूसरे केस में 6 ईयर्स और 12% में आरटी परसेंटेज कितना हो गया, 12 6 72%। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस से कितना डिफरेंस आ रहा है, 880 रुपीज का, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है परसेंटेज में, 8% का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का 8% है 880, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 11,000 रुपीज। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। आरटी परसेंटेज से क्या हो जाता है कि आप डायरेक्टली परसेंटेज में ही चीजों को निकाल कर और उसके इक्वल रख दो। ठीक है, यानी जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आरटी परसेंटेज सेट करो और आंसर को डायरेक्टली निकाल लो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एनी मनी इज डिपॉजिटेड ऑन फिक्स टर्म्स, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स विल बी 20%। एक फिक्स टर्म पे एक मनी डिपॉजिट की है, पहले 2 साल के लिए इंटरेस्ट 20% है, नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए 4% है, ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 10% है। ठीक है, आपको अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग परसेंटेज दे दी। देन आफ्टर 9 ईयर्स इफ दैट पर्सन गॉट 2580 एज द इंटरेस्ट, देन व्हाट वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपको अलग अलग ईयर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो सिंपली क्या करो, अलग अलग ईयर्स का आरटी परसेंटेज निकाल लो। आपको टोटल दिया हुआ है ना, टोटल आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो टोटल उसको आरटी परसेंटेज को करके और उसका प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लो। कैसे, पहले 2 साल के लिए 20%, तो आरटी परसेंटेज कितना हो गया, 40%, नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए 14%, यानी कि 16% हो गया, 4 4 16, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 10, तो 3 10 जा 30%। ठीक है, कितना हो गया, 40 प्लस 30 70, 70 एंड 60 86%, यानी एक्स का 86% इज इक्वल्स टू 2580। अब एक्स आपको फाइंड करना है, 2580 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 86, तो ये हो जाएगा 43, 2 1 2 2, 4 और 0, अब 43 का 1 2 4 0 में हो सकता है कि पूरा डिवाइड जाता हो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। वन टू फोर जीरो और 43, तो सबसे पहले 43 थ्री जा ज्यादा हो गया, 2 जा आएगा, 43 टू सा 86, ये बचा आपका 8, ये बचा 3 और ये 0, 43 इंटू 43 9 से कितना होता है, 8 जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बच गया आपका, 36। ठीक है, फिर जाएगा 8 सा और ये आ गया आपका 16। इस अकॉर्डिंग आप इसका पूरा निकाल लेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ए हैज 22,000, अच्छा ही डिवाइड्स इट इंटू 3 अनइक्वल पार्ट्स। अब ये जो एक क्वेश्चन है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है
हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि जनरल तरीके से नहीं होगा। देखो, ए के पास 22,000 रुपीज थे, ही डिवाइड्स इट इंटू थ्री अनइक्वल पार्ट। 22,000 को वो तीन अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। द फर्स्ट पार्ट इज फॉर 4 ईयर्स एट 5% इंटरेस्ट रेट। पहले पार्ट को 4 साल 5% इंटरेस्ट रेट पे, सेकेंड पार्ट को 5 ईयर्स 2% इंटरेस्ट रेट पे, और थर्ड पार्ट को 6 ईयर्स 5% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। इफ ही गेट्स इक्वल इंटरेस्ट ऑन ऑल थ्री पार्ट्स, देन व्हाट वर ऑल थ्री पार्ट्स। अगर इन तीन पार्ट्स जो अपने डिवाइड करे, उन तीनों पर इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका जो थ्री अलग अलग पार्ट्स है वो क्या है। सबसे पहले मेरी बात समझो, मान लो कि इस क्वेश्चन के अंदर ये थर्ड पार्ट होता ही नहीं, सिर्फ दो ही पार्ट होते, तो इस क्वेश्चन को हम आरटी परसेंटेज वाले से कैसे सॉल्व करते। अगर सिर्फ किसी चीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक को हम एक्स मान लेते तो दूसरा हो जाता 22,000 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो पहले पार्ट का आरटी परसेंटेज 5 4 20, एक्स का 20% इक्वल हो जाता 22,000 माइनस एक्स के 5 2 10% के। इसको हम सॉल्व कर लेते और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है और दोनों पार्ट्स हम निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर उसने थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा है, यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि किसी एक अमाउंट को थ्री या उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करे और जो इंटरेस्ट है वो सब पे इक्वल आ रहा हो, तो कैसे करना होता है, हमें आरटी परसेंटेज तो निकालना है, हमें आरटी परसेंटेज तो निकालना है। 5 4 20, ठीक है, 5 2 10, 6 5 30, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इन तीनों का जितने भी आरटी परसेंटेज निकले उन सब का कर लेना है रेसिप्रोकल, और उनको हमें लिख देना है रेशो के अंदर। समझ में आ रहा है? ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज हो कि कोई एक अमाउंट है उसको हमने तीन या उससे ज्यादा अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के लिए हमने इंटरेस्ट पे दिया है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आरटी परसेंटेज निकालेंगे, उनका रेसिप्रोकल कर कर उन्हें रेशियो में लिख देंगे। अब इस रेशियो को बनाना होगा तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 22,000 को उसने इस रेशियो में डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में, ठीक है। तो 22,000 के लिए पहला पार्ट निकालना होगा, तो 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 2,000 इज इक्वल्स टू 6,000। पहला पार्ट ये आ गया, दूसरा पार्ट 22,000 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 11, 12,000, और तीसरा पार्ट 22,000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 11, जो कि आ जाएगा 4,000, ठीक है। ये तीनों पार्ट निकल गए, यानी सिंपल सी बात क्या है, एक चीज आपको बस याद रखनी है कि अगर कोई अमाउंट है अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, सेम इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो उनका आरटी परसेंटेज निकाल कर रेसिप्रोकल में लिखकर उसका रेशो बना दो, ठीक है। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, नहीं भी समझ आए तो आप इस क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं, बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आए, पर क्योंकि यूपीएससी इस टॉपिक से अब कुछ टेक्निकल चीजें पूछ रहा है तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जो कि एक स्पेशल केस है, ठीक है। चलो अब एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल ईजी सा है। क्या कह रहा है, देखो, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज डबल्ड, द रेट इज हाफ, द टाइम इज ट्रिपल्ड, देन वॉट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बचपन वाला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का वो पढ़ाया था, क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो है इन जनरल केस। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, इसके बाद ये ऐसे कह रहा है कि जो SI2 है, SI2 कैसे कैसे होगा, SI2 के लिए हमने क्या करा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको डबल कर दिया, यानी पी की जगह हमने लिख दिया 2p, ठीक है। रेट को कर दिया हाफ, आर की जगह लिख दिया हमने r/2, और टाइम को कर दिया ट्रिपल, यानी ये कर दिया 3t,
अपॉन 100, 2 से 2 हो गया कैंसल आउट, तो ये क्या हो गया 3 आ जाएगा इधर, और ये वही आ जाएगा पी आर टी अपॉन 100, यानी कि जो नॉर्मल हमारा एस आई था, तो एस आई 2 जो है वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एस आई, यानी क्या हुआ 3 गुना हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज। अब आप फटाफट से सोचिए, बताइए कि अगर एस आई 2 3 गुना हो गया तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा। आप में से कई लोग सोच रहा होगा, आप में से कई लोगों ने सोचा होगा 300%। तो जिन्होंने भी ये सोचा है, फिर से आपको याद दिला दूं, मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में ये चीज समझाई थी अच्छे से कि जब जितने टाइम्स होगा ना, अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो मतलब परसेंटेज चेंज हुआ है उसका एक कम, 200%। समझ रहे हो, हमेशा जितना टाइम्स होता है ना उससे एक कम करके हम परसेंटेज चेंज लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जैसे 100 अगर 200 हो गया यानी डबल हो गया, तो इसमें चेंज तो 100 का ही आया है ना, तो 100 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 100% ही तो आएगा, यानी हमेशा एक कम चलता है। तो ये चीज याद रखनी है, एग्जाम में जल्दीबाजी में अच्छा 3 टाइम्स आया और ये 300% को टिक कर दिया, लेकिन वो चीज हो जाएगी गलत। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, मैंने कोशिश की है बनाने की। अब आगे चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूं तो इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का क्या मतलब है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का ये मतलब है कि मान लो मैंने 1000 रुपीज किसी से 10% पर एनम पर 2 ईयर्स के लिए लिए, ठीक है ना, तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे कैलकुलेशन होता है कि जैसे 1000 है तो फर्स्ट ईयर का तो सिंपल वही है कि 10 अपॉन 100 कर लिया, ठीक है 100 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो इस इंटरेस्ट को हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इंटरेस्ट। यही है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी जो आपका इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो गया, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, जो ओरिजिनली आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था उसी का परसेंटेज निकाला जाता है। समझ रहे हैं, तो ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि हर साल इंटरेस्ट पर भी फिर से इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, कि अमाउंट यानी मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है उसमें सीधे अमाउंट यानी मिश्रधन आता है। ठीक है, तो क्या होता है, पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, जहां पर वही पी प्रिंसिपल अमाउंट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी टाइम है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूले को याद तो रखना है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जो कि ज्यादा यूजफुल है। कैसे, कि आप परसेंटेज ऑन परसेंटेज निकाल लीजिए हर साल की, और सभी परसेंटेज को ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्या, कि आपको मैं बोलूं प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 3 ईयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 3 साल है ना, तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ही, सबको पता है। सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 10 मल्टीप्लाई, क्योंकि 10% था ना जैसे हमने परसेंटेज में किया था, इसको 100 से जोड़कर लिख दो, कितना आ गया 11%, यानी सेकेंड ईयर के लिए 11%। फिर सेकेंड ईयर वाली परसेंटेज को उठाओ और फिर से लिख दो 110 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा 121 अपॉन 10, या फिर 12.1%, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए 11% और थर्ड ईयर के लिए 12.1%। तो इन तीनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 33.1%। यही आपका आरटी परसेंटेज हो गया सिंपल इंटरेस्ट वाला। सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम जनरल निकालते तो कितना आता, 10 3 30 आता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए हमने इंटरेस्ट और इंटरेस्ट निकाला, उन सब परसेंटेज को अलग अलग जोड़ लिया, और अब हमारा आरटी परसेंटेज आया 33.1%। ठीक है, अब वही इसको 10,000 से आप
परसेंटेज निकाल लीजिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है तरीका? एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा कि मतलब क्या है। जैसे कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3%, टाइम दिया है 2 ईयर्स, और मैं कह दूं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹270, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? तो वही, सबसे पहले अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आरटी परसेंटेज कितना है? 3 टू 6%। लेकिन जैसे मैं बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो तो 2 ईयर्स है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में तो वही 3% होगा। सेकेंड ईयर के लिए कैसे निकालेंगे? 3 × 103/100, तो ये कितना आ गया? 309/100, तो 3.09, इन दोनों को ऐड कर दो, 6.09। यहाँ था 6%, यहाँ पर 6.09%, तो डिफरेंस कितना हो गया? 0.09% इसका डिफरेंस हो गया, और प्रिंसिपल अमाउंट का 0.09 इज इक्वल्स टू 270। यही कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 270 है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं, यानी एक्स हो गया आपका 3,234, 3 लाख आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब देखो इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, तो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तब आपको इस तरीके से ही करना होगा। और चांसेस ज्यादा ऐसे वाले क्वेश्चन की ही है जहां पर वो इस तरह, जो हमारा तरीका है अलग अलग ईयर परसेंटेज निकाल के जोड़ने वाला, उससे पूछेगा। ठीक है, चलो अब एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्या है? इफ सम मनी बिकम्स 9.4 times इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, देन फाइंड द इंटरेस्ट रेट। क्या कह रहा है? इसमें कुछ भी नहीं दिया, सिंपल क्या बोला कि जो अमाउंट है वो 9.9/4 times हो जाता है। यानी कि अगर पहले प्रिंसिपल अमाउंट पी था, तो जो अमाउंट है वो हो गया 9/4 times ऑफ पी। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? ए इज इक्वल्स टू पी 1 + R/100 की पावर t। अब ये क्या कह रहा है? जो अमाउंट है वो है 9/4 times ऑफ पी इज इक्वल्स टू पी 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपसे पूछी ही है, और टाइम आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स, पी से पी आपका कैंसिल आउट हो गया, 9/4 = 1 + R/100 का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर जाएगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस आर अपॉन हंड्रेड। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, 4 होता है 2 का, 1 + R/100, तो R/100 हो जाएगा 3/2 - 1, यानी कि R/100 विल बी 1/2, यानी कि R = 50%। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह का सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ऑल दो चांसेस मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी पूछेगा, पर फिर भी क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा है 23 में, तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी चीजें तो बस सिंपल सी है, पुट करके सॉल्व ही करना है हमें। ठीक है, अब एक चीज जो इस साल यूपीएससी ने पूछी वो हम समझ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या है? इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, अगर ऐसा कहीं आ जाए क्वेश्चन के अंदर कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि जैसे हम हर एक साल के अंदर, पूरे एक साल के बाद इंटरेस्ट निकाल कर फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे थे ना, वैसे ना करके अगर हम हर 6-6 महीने में ऐसा करते जाएं। ठीक है, मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था शुरू में कि ये रहा 1,000 रुपीज है, 10% है, और 2 ईयर्स के लिए था, तो मैंने पहले एक साल का निकाल लिया, फिर मैंने उसके लिए उसको ऐड करके इंटरेस्ट को फिर सेकेंड ईयर का निकाल लिया। लेकिन मैंने एक साल के नहीं करके अगर मैं 6-6 months के लिए करने लग जाऊं, यानी कि हाफ हाफ ईयर्स के लिए करने लग जाऊं, तो उसे कहते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी बात बताओ कि अगर 6-6 महीने में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 6-6 months में मैं कर रहा हूँ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो पहले के कंपैरिजन में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि आप हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाए जा रहे हो, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाए जाओगे हर 6 महीने में तो ज्यादा आएगा। ठीक है,
तो इसको करने का जो टेक्निकल तरीका है वो क्या होता है कि जब भी आपको बोले कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट में तो इस तरीके में कोई चेंज आएगा नहीं, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा। और वो कैसे आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो आप कर दीजिए हाफ और टाइम को कर दीजिए डबल, ठीक है। अगर वो बोलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना है, टाइम को डबल करना है। इतना टेक्टिकल नहीं आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 6-6 महीने में ना करके क्वार्टरली करे, यानी हर 3 महीने में करे, तो क्वार्टरली यानी 1/4 ऑफ ए ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 कर देंगे, टाइम को 1 × 4 कर देंगे। और अगर हर 2 महीने में करने लग जाए, तो यानी कि 1/6 टाइम ऑफ 1 ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट r/6 एंड टाइम t/6, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, बस इतना सा एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बाकी सब जो कंसेप्ट है वो यहाँ कवर हो गए, जहां पर जितनी नीड है। यही है वो 2023 वाला क्वेश्चन। अब आप समझना और मुझे बताना कि इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा नीड थी, या फिर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है मैथ्स की, उसकी ज्यादा नीड थी। अब प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब किया जाता है, तो 1 साल में पी जो है क्यू बन जाता है विथ आर परसेंटेज एनुअल रेट। आर परसेंटेज रेट के साथ हाफ ईयरली अगर किया जाएगा तो क्यू बन जाएगा। इफ द सेम प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली विथ एस परसेंटेज, यानी चेंज किस में आया, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में आया और कैलकुलेट करने के तरीके में आया। प्रिंसिपल पहले भी पी था, अभी भी पी है, अमाउंट पहले भी क्यू था, अभी भी क्यू है, चेंज इतना आ गया कि जब हम हाफ ईयरली कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी आर, और जब हम एनुअली कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एस, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बड़ी है, एस बड़ी है, दोनों इक्वल है, या क्या है। तो अब मुझे एक सिंपल 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 सी बात बताओ कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, ठीक है, तो हाफ ईयरली और एनुअली के अंदर अगर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम भी सेम है, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है, एक बार मैं हाफ ईयरली से कंपेयर कर रहा हूँ, हाफ ईयर क्या हाफ ईयरली कंपाउंडेड से कर रहा हूँ और एक बार एनुअली से कर रहा हूँ, तो मेरा अमाउंट ज्यादा किस में बनेगा। इट इज बट ऑब्वियस कि हाफ ईयरली वाले जो कंसेप्ट है, जो कैलकुलेशन का तरीका है, उसमें अमाउंट ज्यादा बनेगा, क्योंकि उसमें आप हर 6 महीने के अंदर जो है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़े जा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद मेरी एक बात समझो, जब आप ये बात समझ गए कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करने से जो अमाउंट है वो ज्यादा बनता है, लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर ये हो रहा है कि अमाउंट तो सेम बन रहा है, अमाउंट सेम बन रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आर और एस में मैं कंपैरिजन करूं, तो हाफ ईयरली से जोड़ने पर ज्यादा अमाउंट बनता है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट सेम बन रहा है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने से, जबकि एनुअली जोड़ने से अमाउंट जो है वो बन रहा है, अमाउंट जो है वो सेम बन रहा है, तो आर ज्यादा हुआ या एस ज्यादा हुआ। सिंपल सी बात है कि जिस तरीके में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लेने पर अमाउंट ज्यादा बनता है, उस तरीके से अमाउंट अगर इक्वल बन रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एनुअल वाली है वो ज्यादा है, तभी तो उसको उतना कवर कर पा रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, इजी लैंग्वेज फिर समझाता हूँ कि हाफ ईयरली लेने से अमाउंट ज्यादा बनता है, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो, लेकिन एनुअली लेने पर और हाफ ईयरली लेने पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है और जो फाइनल अमाउंट है वो इक्वल बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एनुअल वाला तरीका है उसके अंदर की जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, तभी तो ऐसा हो रहा है कि एनुअल लेने पर भी अमाउंट इक्वल बन रहा है, ठीक है। इतनी सी जनरल अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, यानी कि एस जो है वो आर से बड़ा है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, और आप एक जनरल थिंकिंग से, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से ये स्टीच पर कंक्लूजन पर पहुंच पाए कि हाँ, जब हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं
और ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों जगह अगर अमाउंट इक्वल आ रहा है तो मतलब जो ईयरली वाला तरीका है जिसमें जनरली अमाउंट कम आता है, उसमें अगर अमाउंट इक्वल आ रहा है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली थी। अब इसके अलावा आप चाहे इसमें जो है इक्वेशन बना बना के उसको सॉल्व करते रहेंगे तो भी आप में आर और एस के बीच में रिलेशन बहुत मुश्किल से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन बॉट अ रेफ्रिजरेटर वर्थ ₹22,800 विथ 12.5 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। सिंपल सी बात क्या है, ₹22,800 का रेफ्रिजरेटर लिया जिसपे 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेड 8,650। पहले साल के बाद उसने 8,650 दे दिए, सेकेंड ईयर के बाद उसने 9,125 दे दिए। हाउ मच विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर द डेब्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो सिंपल क्या बात होती है, हर साल के बाद कैलकुलेशन होता है। यानी कि मान लो मेरे पास ₹22,800 का लोन था मेरे ऊपर, ठीक है, और उस पर 12.5% इंटरेस्ट था, तो टोटल अमाउंट मुझे क्या पे करना था एक साल के बाद, टू एट को 125 से कर लो, 1,125 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो वन टू फाइव टू टू एट 8, 8 5 से 40, 8 2 16 4 20, 10 9 5 2 10 2 2 4 1 5 2 1 2 0 5 2 0 5 11 and 5 16 5 2, और एक पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे, यानी 25,650 ये अमाउंट बनता मेरा। मैंने इतने रुपए, ये है विद इंटरेस्ट, ठीक है, इसके बाद वापस से 112.5 लगता कंपाउंडेड के अनुसार, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट को जोड़ दिया, लेकिन मैंने कुछ अमाउंट यहाँ पे कर दिया, वो था 8,650। तो वो तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा वो तो हो जाएगा ना माइनस, इतना कितना तो मैंने चुका ही दिया, तो मेरा बचा 17,000 फर्स्ट ईयर के बाद। अब जब 17,000 बचा तो इस पे वापस से 112.500 लगेगा, यानी कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 17 को 112.5 से मल्टीप्लाई करो, 85 34 34 and 8 42 21 19 125। अब 19 125 में से वापस से मैंने 9,125 पेमेंट कर दिया, यानी बचे 10,000। अब इस 10,000 का मैं निकाल लूंगा फिर से 112.5 upon 100, 11,250 ये मुझे पे करना होगा तीसरे ईयर पे। देखो इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना तो हमारा आरटी परसेंटेज वाला रूट लग रहा है। सिंपल सी बात है कि पहले साल में ये मेरा इंटरेस्ट बनता, विद इंटरेस्ट मेरा ये अमाउंट बनता, मैंने इतने पैसे दे दिए तो इतना मेरे ऊपर डेब्ट था, इस डेब्ट का मैंने फिर निकाला ये आ गया, फिर मैंने कितने पैसे चुकाए वो मैंने माइनस कर दिए। अगर यहाँ पर ये मुझे एक बात बताओ, कंपाउंडेड ईयरली की जगह अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होता तो इस चीज में कैसे डिफरेंस आता, इस चीज में ऐसे डिफरेंस आता कि फिर हम इस 22,800 में से ही सीधे माइनस करते इसको और इसको। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट जो है वो अलग तरीके से चलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ हर साल के बाद जुड़ जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें हाँ क्वेश्चंस बहुत बनते हैं लेकिन यूपीएससी सीसेट के पर्सपेक्टिव से हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक इंक्रीजेस फ्रॉम 6% to 8%, मान लो एक बैंक की इंटरेस्ट रेट पहले 6% थी फिर वो बढ़ के 8% हो गई, देन इफ यू विड्रॉ ₹2,000 फ्रॉम द बैंक, अगर ये परसेंटेज बढ़ने के बाद आपने ₹2,000 बैंक से निकाल लिए, यू विल गेट द सेम इंटरेस्ट एज बिफोर, यानी जो आपको पहले मिल रहा था ना इंटरेस्ट वही आपको सेम इंटरेस्ट मिल जाएगा इंटरेस्ट बढ़ने के बाद भी, अगर आपने ₹2,000 निकाल लिए तब भी।
तब इनिशियली कैलकुलेट द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो शुरू में अमाउंट क्या डिपॉजिट था, समझ में आ रहा है, 6% था, बढ़ के 8% हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाना चाहिए था ना, क्योंकि परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन मैंने 2000 रुपीज विदड्रॉ कर लिए। तो उसके बाद जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो पहले के बराबर ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मान लो मेरे एक्स रुपए जमा थे, तो उस पर मुझे 6% इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। अब मैंने 2000 रुपये निकाल लिए, एक्स में से 2000 रुपये निकाल लिए, पर अब मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, और ये दोनों इक्वल है। चलो अब कुछ भी नहीं करना, तो मुझे सिर्फ सॉल्व करना है। ये हो गया 6x, ये हो गया 8x माइनस 16000, ये बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 16000 और x इज इक्वल टू 8000, और ये आ गया आपका बी आंसर। बिल्कुल सिंपल था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग में नहीं लेनी है। इन क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो उसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। फिर भी हमें फॉर अ सेफ साइड इसके कंसेप्ट तो एटलीस्ट समझ के रखने हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके चलनी है, जिससे कि अगर एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम एटलीस्ट इतना तो समझ सकते हैं कि हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हाफ ईयरली में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, ईयरली में कम आता है, ठीक है। इतना भी अगर इनमें सोच पाते तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में सोच सकते थे, ठीक है। मैंने तो इसको इसी तरीके से किया था एग्जाम के अंदर, मैंने सोच लिया था ये चीज कि अच्छा कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, हाफ ईयरली के अंदर इंटरेस्ट ज्यादा आता है, और अगर फिर भी दोनों अगर इक्वल बन रहे तो इसका मतलब ये है कि एनुअल वाले का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारी मेल आईडी पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उस पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।